किस्मत डेलर थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक नवाचार। नवाचार का अर्थ, विशेषताएं, क्या उद्देश्य हैं, इसको लेकर आया हूं। तो अब हम चर्चा करते हैं, पहले नवाचार होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नवाचार का अर्थ, फिर इसकी क्या होती है डिफिनेशन, इसको बताने के बाद फिर इनकी क्या फीचर्स, क्या विशेषताएं होती है छात्रों, इनको बताने के बाद फिर इनके क्या उद्देश्य हैं, इन सबको मैं बताऊंगा आपके समक्ष में। तो पहली बार हम चर्चा करते हैं नवाचार। तो अगर देखा जाए तो जो है नवाचार का विषय में जो इनोवेशन है, मीनिंग ऑफ इनोवेशन यानी नवाचार का अर्थ, तो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों को अगर रखा जाए या नवीन तरीक़ों से खोज करके कुछ नए आयामों को जोड़ा जाए तो नवाचार का एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। अगर छात्रों अब हम चर्चा करते हैं मीनिंग ऑफ इनोवेशन या नवाचार, अगर हम नवाचार के विषय में देखें छात्रों, तो ये जो नवाचार है इसमें नव आएगा, एक नव धन आचार आएगा। तो नवाचार का मतलब क्या है छात्रों, नव धन आचार। तो यहाँ पर नव का मतलब छात्रों नए होता है, नव का मतलब नए, और ये जो आचार का मतलब छात्रों बिहेवियर से है या व्यवहार से है, तो नए व्यवहार। तो कहने का मतलब ये है छात्रों कि जो नवाचार का अगर अर्थ के बारे में देखें तो नवाचार ये दो शब्दों से मिलकर बना है छात्रों, नव धन आचार। तो नव माने नए तरीके से, आचार का मतलब व्यवहारों को प्रदर्शित करने से है, नए नए जो है विचारों को जो या व्यवहारों को प्रदर्शित करना कक्षा कक्ष में, इसी को हम नवाचार कहते हैं। अगर नवाचार के विषय में देखें तो नवाचार में देखिए दिन प्रतिदिन जो नए तरीके से कंप्यूटर का जो आविष्कार पठन पाठन प्रणाली में किया जा रहा है और ईमेल के माध्यम से, तो इन सभी जो प्रणालियों का प्रयोग अध्यापन का या हमारे जो शिक्षण प्रणाली में किया जा रहा है उसमें नवीन तरीकों से परिवर्तन लाने के लिए नवीन विधियों का जो प्रयोग किया जा रहा है दिन प्रतिदिन छात्रों अध्यापन कार्य में अगर देखा जाए छात्रों, तो इसी को हम इनोवेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो नवाचार का मतलब नवीन जो है विधियों व्यवहारों आज का कक्षा कक्ष में जो प्रयोग करके अध्यापक बताने समझाने का प्रयोग करता है उसी को छात्रों हम नवाचार कहते हैं, जिसको हम मीनिंग ऑफ इनोवेशन। अब देखें छात्रों, तो नवाचार के अर्थ के बाद फिर हम बात करते हैं इनकी डिफिनेशन पर, क्या इनकी छात्रों परिभाषा होती है। अगर इनकी हम जो है परिभाषा पर चलें तो जो शिक्षा शास्त्री हैं तो अपने अपने ढंग से उनको विभिन्न तरीक़ों से छात्रों प्रस्तुत किए हैं। जैसे पहले देखा जाए तो जो इनकी डिफिनेशन है तो इनमें पहले आती हैं अंजना तिवारी आती हैं, तो जो इन्होंने अपना डिफिनेशन दिया है, फिर उसके बाद आती हैं आर के जो है शर्मा भी आते हैं, फिर इसी क्रम में देखें बरौलिया का भी डिफिनेशन छात्रों आता है, डॉक्टर बरौलिया है। इसी तरीके से देखें तो कार्ल रोजर्स का भी छात्रों डिफिनेशन आता है। तो कहा जाए छात्रों ये कि सब थिंकर ने जो नवाचार है इनको अलग अलग ढंग से छात्रों डिफाइन किए हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब जैसा कि जो नवाचार के जो डिफिनेशन है उसके संदर्भ में देखें तो इसमें जो है पहला इसमें आता है छात्रों, तो इसमें जो आते हैं कि अंजना तिवारी, तो जो अंजना तिवारी हैं उन्होंने जो है नवाचार को इस ढंग से व्यक्त किया कि जो है शैक्षिक नवाचार, या तो नवाचार का अर्थ उन जो है समस्त शैक्षिक अनुसंधानों से प्राप्त प्रयोगों एवं उनके जो है प्रयोगों से जिनके माध्यम से छात्रों शिक्षण जो अधिगम की प्रक्रिया जो है प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बन सके, और जिसके द्वारा जो है छात्रों में सर्वांगीण विकास का भी छात्रों कार्य हो सके।
कहने का मतलब छात्रों, जो अंजना तिवारी हैं उन्होंने ये बताया है कि इसको शैक्षिक अनुसंधान या तो जो नवाचार का अर्थ उन शैक्षिक अनुसंधानों के प्रयोगों के निष्कर्ष है जिनके द्वारा शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया जो है प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बन सके, जिनसे जो है छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। और इसके बाद देखें छात्रों, अभी तक मैंने आपके समक्ष अंजना तिवारी की डिफिनेशन बताया, फिर इसके बाद जो नंबर दो डिफिनेशन छात्रों आती है आर के शर्मा की डिफिनेशन। अब हम बात करते हैं आर के शर्मा ने किस तरीके से जो है इसको डिफाइन किया है इनोवेशन को या नवाचार को। अब देखते हैं आर के शर्मा के अनुसार, तो इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ उन नवीन विधियों एवं उपकरणों से है जिनके द्वारा जो है वांछित रूप से व्यवहार परिवर्तन का कार्य किया जाता है या जिससे छात्रों के अंदर बहुमुखी प्रतिभा का कैसे विकास का कार्य करें, उनकी विकास का जो कार्य है छात्रों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास किया जाता है। या तो ऐसे कह सकते हैं छात्रों, जो आर के शर्मा है उन्होंने ये बताया है कि नवाचार का अर्थ उन जो शिक्षण की विधियों और उनके उपकरणों से है जिनके द्वारा छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन और साथ ही साथ छात्रों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास का कार्य करने में सहायक होती है। तो उसी को अगर कहा जाए तो उसी को छात्रों नवाचार कहते हैं। अब इसी के बाद छात्रों जो नंबर थर्ड डिफिनेशन हमारी आती है बरौलिया की डिफिनेशन, डॉक्टर बरौलिया है। अब इन्होंने भी जो है नवाचार को अपने अर्थों के रूप में समझाने बताने को किस ढंग से डिफाइन किया है, अब हम उनकी जो डिफिनेशन या उनकी परिभाषा पर चलते हैं। अब देखें इनके इन्होंने ये कहा है कि जो शैक्षिक नवाचार होता है शैक्षिक गतिविधियों, उन्होंने ये बताया छात्रों कि जो शैक्षिक नवाचार है या तो शैक्षिक गतिविधियों में नवीनतम शिक्षण अधिगम तकनीक का प्रयोग करना, नवीनतम या तो ऐसे कहें कि शैक्षिक गतिविधियों में नवीनतम जो है शिक्षण अधिगम का जो प्रयोग किया जाता है छात्रों उसी को जो है नवाचार के संज्ञा दिया गया है। कहने का मतलब छात्रों, जो वर्तमान समय या प्रेजेंट टाइम में जो अध्यापक TLM के या जो वर्तमान समय में जो अच्छी तरीके से जो TLM का प्रयोग करके छात्रों को जो समझाने या जो बताने का कार्य करता है, साथ ही साथ जो नवीन विधि है, क्या नवीन विधि है इनको खोज करने का जो प्रयास करके जो छात्रों को समझाने या फिर बताने का जो प्रयास करता है छात्रों उसी को हम नवाचार कहते हैं। फिर नवाचार के संदर्भ में देखें छात्रों, एक डिफिनेशन फोर्थ नंबर पर आती है कार्ल रोजर्स की डिफिनेशन। अगर हम नवाचार के संदर्भ में देखें तो इसके पहले एक सुपर टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन कार्ल रोजर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। उन्होंने देखिए जो कार्ल रोजर्स ने नवाचार के संदर्भ में ये बातें बताया है कि नवाचार एक ऐसा विचार है कि जिसकी प्रतीत व्यक्ति नए विचारों के रूप में करें, तो नवाचार एक ऐसा विचार है कि जिसकी प्रतीत व्यक्ति या छात्र जो होते हैं नए विचारों के रूप में जो करने का छात्रों प्रयास करते हैं तो उसी प्रक्रिया को ही छात्रों हम नवाचार कहते हैं। तो अगर देखा जाए छात्रों तो जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हमको शिक्षण कार्य या अध्यापन कार्य की प्रक्रिया को छात्रों प्रभावी या जो रुचिपूर्ण बनाना है तो हमको नवीन तरीकों से जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करके छात्रों को समझाने बताने का प्रयास करना होगा। अगर कहने का मतलब जो ये TLM है, अगर हम TLM के माध्यम से छात्रों को समझाने
बताने का कार्य करेंगे, जैसे जो इंटरनेट हो गया या फिर और तरीके से कुछ श्रव्य या फिर दृश्य सामग्रियाँ होती हैं, उन अगर उनका हम प्रयोग करके छात्रों के समझ बताने या समझाने का कार्य करेंगे। तो जाहिर सी बात है यही जो है कक्षा कक्ष में अध्यापक के माध्यम से नवाचार को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ यह जो कक्षा में जो कक्षा का वातावरण भी है इनसे भी जो रुचपूर्ण बन जाएगा। और ये कहा सकता है कि कक्षा कक्ष में छात्रों इसके माध्यम से अनुशासनहीनता की भी समस्या नहीं आती है। कहने का मतलब सभी छात्र जो है रुचपूर्वक जो है किसी विषय या जो टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं नवाचार के माध्यम से। अगर देखा जाए तो नवाचार में किसी भी जो विषयों का अब नवीन विधियों का प्रयोग करके पढ़ाने का प्रयोग है। जैसे अध्यापक मान लीजिए चाहे बॉटनी का विषय हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे नागरिक शास्त्र को हो, उनको इन विषयों में जो नवीन तरीके से नवीन विधियों कंप्यूटर या इन सभी का जो है मॉनिटर के माध्यम से कुछ अच्छे ढंग से जो समझाने या जो फिर बताने का छात्रों प्रयास करता है तो उसी को हम नवाचार कहते हैं। अब हम आगे डिफिनेशन पर जाते हैं छात्रों, इसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या इनकी फीचर होती हैं, जो कि इसको किस लिए जो है इसका स्थान विद्यालय में महत्वपूर्ण है, किस लिए जो है अध्यापक जो कुछ नवीन विधियों का प्रयोग करके इस किसी भी टॉपिक को पढ़ाने या समझाने का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं हम, देखिए जो पहला टॉपिक हमारा इनके हम फीचर पा जाते हैं छात्रों, इनकी क्या विशेषताएँ होती है। तो इनकी विशेषताएँ में नंबर एक जो पॉइंट आता है नवीन तकनीकी एवं नवीन ज्ञान। अब देखें छात्रों जो हमारी ये नवाचार है या जो शैक्षिक नवाचार कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ढंग से जो खोजें या जो नवीन विधियों का जो प्रयोग किया जा रहा है तो उसी में जो है कुछ नवीन टेक्निक या कुछ न्यू टेक्निक एवं कुछ न्यू जो है नॉलेज यानी दोनों ही तरीक़ों से जो है जब प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समझाने या बताने का प्रयास करता है छात्रों, ये जो है नवाचार को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। तो कहने का मतलब अगर देखें तो नवीन तकनीकी तो जिनको हम बोलते हैं न्यू टेक्निक और एवं नवीन ज्ञान, तो जब अध्यापक कोई शैक्षिक तकनीक कह सकते हैं, जैसे शैक्षिक तकनीकी क्या होता है अगर देखें तो शैक्षिक तकनीकी जो है शिक्षा से जुड़े हुए उन तकनीकों के प्रबंध से है जिससे कक्षा को रोचक एवं प्रभावपूर्ण छात्रों बना सकता है। अब देखें तो जो शैक्षिक तकनीकी होता है इसी तरीके से जो शैक्षिक तकनीकी या नवीन तकनीकी, तो जो शैक्षिक तकनीकी सीखने की प्रक्रिया सिखाने वाले में ये प्रायः जो है रुचि उत्पन्न करने का कार्य छात्रों करती है। अब देखें तो कहने का मतलब छात्रों यहाँ पर ये बातें हैं कि जो नवाचार का विशेषताएं हैं या नवाचार की जो विशेषताएं छात्रों हैं इनकी पहली विशेषता ये होती है कि इनके द्वारा ही जो है नवीन तकनीकी एवं जो नवीन ज्ञान जो है छात्रों को मिल जाता है या तो फिर नवीन तरीके से क्या ज्ञान होता है क्या तकनीक होता है ये सभी जो है छात्रों को मिलना संभव हो जाता है। यही जो है नवाचार की छात्रों प्रमुख विशेषताओं के रूप में छात्रों जानी जाती है या यही इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि नवीन तकनीकी एवं जो है नवीन ज्ञान की प्रायः खोज करने का छात्रों प्रयास करता है नवाचार कि अध्यापक इस ढंग से अगर पढ़ाने लिखाने का कार्य करें तो जाहिर सी बात है कि ये नवाचार को उत्पन्न या विकसित करने का प्रयास करता है। अगर छात्रों देखें तो जो इनोवेशन है या जो नवाचार है इसके विषय में देखा जाए तो यह जो है शिक्षा
के क्षेत्र में 19वीं सदी के अंत तक की जो है इस जो है विधि का प्रयोग जो है अध्यापन प्रणाली के रूप में अपनाया जाना शुरू हो गया था। तो इसी को कहते हैं नवाचार। तो जो हम पहली पॉइंट आपको बताया विशेषताएं में नवीन तकनीकी और नवीन ज्ञान है, इसके माध्यम से कक्षा में जो है नवाचार को विकसित किया जा सकता है। आगे देखें छात्रों, जो फिर नंबर दो पॉइंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण जो है बनाने में, अगर इसको देखें छात्रों तो जो नवाचार है, जो इनोवेशन है, तो इसकी विशेषता यह होती है कि इसके माध्यम से ही जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है छात्रों वो प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बन जाती है। जैसे अगर छात्रों को कोई भी टॉपिक हमको पढ़ाना हुआ, अगर जब हम कुछ नए तरीके से छात्रों को समझाने या फिर बताने का छात्रों प्रयास करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसी से हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वह प्रभावी एवं फिर उद्देश्यपूर्ण छात्रों बन जाती है। अब बात आती है शिक्षण अधिगम। देखिए, जो शिक्षण का कार्य अध्यापक के माध्यम से छात्रों को किया जाता है, फिर इसी में जो अधिगम है, अधिगम का मतलब ये छात्रों से है, छात्र कितना सीखा है वही उसका अधिगम कहलाता है। यानी अधिगम का मतलब जो है छात्रों के जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसी को ही हम छात्रों लर्निंग या फिर अधिगम कहते हैं। और यहाँ पर जो शिक्षण हो गया, तो जो मतलब शिक्षण है वो छात्रों के माध्यम से व्यवहार या जो अध्यापक के माध्यम से छात्रों में व्यवहार परिवर्तन किया जाता है, ये प्रक्रिया अध्यापक करता है, जबकि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है ये छात्र के माध्यम से छात्रों संभव होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर छात्र यह है कि शिक्षण एवं जो अधिगम होता है दोनों अध्यापक एवं छात्र के मध्य यह की गई परस्पर क्रिया होती है, जिनमें अगर देखा जाए तो शिक्षण एवं जो लर्निंग है या तो टीचिंग एवं जो लर्निंग है दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है, या कहें छात्र इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पर शिक्षण होता है और उसके बाद जो है प्रक्रिया हमारे जो लर्निंग की प्रारंभ होती है या जो अधिगम होती है वो प्रक्रिया हमारे छात्रों प्रारंभ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है छात्रों, तो जो यहाँ पर इनोवेशन है, जो कि नवाचार है, इनकी जो विशेषताएं या जो सेकंड जो है फीचर है वो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से प्रभावी बन जाती है, और साथ ही साथ जो है यह छात्रों में रुचिपूर्ण या जो रुचिपूर्ण उत्पन्न करने में या जो है रुचिपूर्ण बनाने में सहायता भी प्रदान करती है। अगर देखा जाए छात्रों, जो रुचिपूर्ण है, जो प्लेजेंट है, तो क्या होता है अगर देखा जाए तो छात्रों, किसी भी अध्यापन कार्य में अगर छात्रों के पढ़ाए हुए पाठ पर या जो अध्यापक होते हैं, ऐसे कहा जाए कि जो अध्यापक को पढ़ाए हुए पाठ पर अगर छात्रों की उस पर रुचि ना हो तो वो पढ़ाना बेकार है। तो कहने का मतलब उनमें छात्रों के अंदर जो है रुचि का उत्पन्न होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने याद बताया कि रुचि एक जो है शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। जैसे अपनी जो रुचि के जो कार्य होते हैं बालक बिल्कुल जो है मन लगा कर उसमें कार्य करता है, तो इसी से जो टीचिंग की प्रक्रिया होती है छात्रों प्रभावी बन जाती है या फिर रुचिपूर्ण बन जाती है। तो यहाँ पर छात्रों जो नवाचार है उसकी जो दूसरी विशेषता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने एवं जो रुचिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। फिर आगे आता है छात्रों नंबर थर्ड पर, जो कि नवाचार की विशेषताएं हैं, उसमें नंबर थर्ड आता है एक टू टीज, या जिनको हम बोलते हैं क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्वान। अब इसके संदर्भ में देखें छात्रों, जो नवाचार है या जो नवाचार विशेषता होती है इसकी जो तीसरी यहाँ पर या जो थर्ड विशेषता होती है कि यह क्रियाशीलता
एवं प्रायोगिता की जो टेंडेंसीज या जो प्रवृत्ति होती है वह उनमें विद्यमान होती है छात्रों में। अब बात आती है क्रियाशीलता, क्योंकि क्रियाशीलता ऐसी प्रक्रिया होती है छात्रों जो कि यह हमेशा ही बालक को या फिर छात्र को क्रियाशील बनाने का कार्य करती है। ऐसा नहीं है छात्रों की यह जो है केवल बालक को ही क्रियाशील बनाने का कार्य करती है, नहीं, बल्कि साथ ही साथ यह अध्यापक को भी क्रियाशील बनाने का कार्य करती है। अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों, जो क्रियाशीलता है अगर देखें तो यह है शिक्षण का एक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया या तो शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली छात्रों बन जाती है। अगर देखा जाए तो यह जो है क्रियाशीलता भी छात्रों निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, शारीरिक क्रियाशीलता होती है छात्रों एक, और फिर जो नंबर दो आता है छात्रों वो मानसिक क्रियाशीलता होती है। तो जो शारीरिक क्रियाशीलता क्या होती है, छात्रों की कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता के अनुसार जो शिक्षण कार्य किया या कराया जाता है छात्रों, तो उसी को हम जो है शारीरिक क्रियाशीलता कहते हैं। और छात्रों कुछ क्रियाशीलता ऐसी होती है कि जो कि मानसिक रूप से छात्र या अध्यापक करने का जो प्रयास करता है, तो उसी को हम छात्रों मानसिक क्रियाशीलता कहते हैं। अगर क्रियाशीलता के विषय में देखें तो ये हमेशा ही अध्यापक एवं छात्रों को सदो ही एकटू करने का कार्य करती है, और साथ ही साथ इसमें प्रायोगिकता की जो है प्रवृत्ति भी विद्यमान होती है, जिससे नवाचार को विकसित करने में हमको सहायता मिलती है। अब देखें छात्रों यहाँ पर प्रायोगिकता, तो जो ये क्या है, प्रायोगिकता क्या है, प्रयोग करने के रास्ते खुल जाते हैं छात्रों, इसके माध्यम से जो बालक होते हैं उनके अंदर प्रयोग करने की प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है। अब प्रयोग क्या है, जैसा कि देखिए छात्रों प्रायोगिकता यह जो है प्रयोग करने पर विशेष रूप से छात्रों बल देता है, तो जो कि यह है नवाचार की छात्रों एक विशेषता होती है कि इसी के माध्यम से छात्रों में हम प्रायोगिकता या प्रयोग करने जैसे गुणों का विकास कर लेते हैं। अगर देखें छात्रों जो प्रायोगिकता है या जो प्रयोग करने के गुण छात्रों में विद्यमान होते हैं वह कुछ सीमित विषयों में ही उसका प्रयोग होता है छात्रों, जैसे हम बात करते हैं इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, और इसके अलावा बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान कह सकते हैं या तो जंतु विज्ञान हो गया, तो आदि ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि प्रायोगिकता की प्रवृत्ति ज़्यादातर ज़्यादा उन विषयों में छात्र प्रयोग के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयोग ज़्यादा प्राप्त करते हैं। वैसे तो अन्य जो है विषयों में भी प्रायोगिकता की प्रवृत्ति तो होती ही होती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली विषयों में छात्रों ज़्यादा ही जो है छात्रों में नवाचारों को विकसित करने का गुण हो जाता है, या तो नवाचारों को विकसित करने गुण उनमें विद्यमान हो जाता है। अब देखें छात्रों जो प्रयोग होता है, अगर इसमें देखें तो यह छात्रों में या तो जिस जो है शोध में हम प्रयोग के माध्यम से छात्रों को कुछ नए तरीकों से बताने या समझाने का प्रयास करेंगे, वह जो है प्रयोगात्मक प्रौद्धि या तो जिस प्रौद्धि में छात्र हमेशा ही प्रयोग करके कुछ जो सीखने का प्रयास करते हैं छात्रों, वही उसकी प्रायोगिकता कहलाती है या वही उसकी प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। तो प्रयोगात्मक में विषय बात करें तो यह छात्रों में करके सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वह उसके अंदर विद्यमान होती है, और साथ ही साथ देखिए छात्रों यह बालकों में विचार चिंतन तर्क करने की
क्षमता का उनके अंदर विकास कार्य होना छात्रों प्रारंभ हो जाता है और उनका ज्ञान जो है प्रायोगिकित की प्रवृत्ति के जो माध्यम से उनका विज्ञान जो छात्रों का जो ज्ञान होता है वो हमेशा ही स्थायी बन जाता है छात्रों। तो मैं अब तक आप सबको ये नंबर थर्ड पॉइंट बताया कि जो नवाचार होते हैं उनकी जो विशेषता होती है नंबर थर्ड में क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान है। इसी तरीके से जो आगे आता है हमारा कि जो नवीन शैक्षिक तकनीकी को विद्यालय तक पहुंचाना, आप इसी तरीके से देखें छात्रों जो हमारे इनोवेशन है या हमारी जो नवाचार है छात्रों, ये नवाचार एक ऐसी विशेषताएँ होती हैं या ऐसे जो है प्रयोग है कि जिनके माध्यम से छात्रों के अंदर नवीन शैक्षिक तकनीकों, आप देखें छात्रों आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि शैक्षिक तकनीकी होता क्या है। अब देखें तो शैक्षिक तकनीकी को देखा जाए तो जिनको हम बोलते हैं छात्रों एजुकेशनल टेक्निक बोलते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी जो है सीखने की एक प्रक्रिया है जिनके माध्यम से छात्र आसानी से किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को वह सीख जाते हैं या तो जान जाते हैं। अब देखें तो शैक्षिक तकनीकी को जो है सीखने में जो है अध्यापक जिन तकनीकी का या अपने अध्यापन कार्य में अध्यापक छात्रों को सिखाने के लिए जिन टेक्निक या जिन तकनीकी का प्रयोग करता है छात्रों उन्हीं को शैक्षिक तकनीक कहते हैं। फिर नवाचार की जो विशेषता होती है कि जो नवीन तरीके से जो कंप्यूटर हो गया जो स्लाइड हो गया इन सब को जब विद्यालय तक हमको जब हम पहुंचाएंगे तो इससे जो हमारा नवाचार का जो मार्ग है वह अच्छे ढंग से पथ प्रशस्त होगा या इसी मार्ग को हम आगे की ओर ले जाने में सहायता हमको मिलती है। तो कहने का मतलब छात्रों जब नवीन शैक्षिक जो है तकनीकों को जब हम विद्यालय तक पहुंचाने में या कुछ सहायता करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यह छात्रों में भी नवाचार को विकसित करने में सदैव ही जो है सहयोग देने का कार्य करते हैं। अब देखें तो नवीन शैक्षिक तकनीकी में क्वार्क्स हो गए और कुछ थिंकर हैं जो कि इसके संदर्भ में डिफिनेशन दिया है, तो इन्होंने बताया है छात्रों शैक्षिक तकनीकी सीखने की प्रक्रिया है जो कि छात्रों के अंदर इसी के माध्यम से कुछ व्यवहार परिवर्तन के गुणों को भी विकसित किया जाता है। अब मैं आप लोगों को नंबर फोर्थ पॉइंट बता दिया छात्रों नवीन शैक्षिक तकनीक के बारे में। तो जो नवीन शैक्षिक तकनीक है छात्रों तो आप देखें तो जो नवीन शैक्षिक जो तकनीक है उनको विद्यालय तक हमें कैसे पहुंचाना है, तो इन सभी जो है नवाचार के माध्यम से हम छात्रों के अंदर जो है नवीन जो शैक्षिक तकनीक को पहुंचाने में सहायता हमको मिलती है। फिर इसी तरीके से नंबर फोर्थ पॉइंट कहता है छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त। अगर देखें छात्रों तो जो नवाचार होता है इसी के माध्यम से ही जो है छात्रों में हम ऑलराउंडर डेवलपमेंट या छात्रों के सर्वांगीण विकास का मतलब छात्रों की आंतरिक जो है शक्तियों पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करते हैं या छात्रों में सोचने समझने या तर्क करने की क्षमता को विकसित करने में हम उनको आगे बढ़ाने के मार्ग उनको प्रशस्त करने में हमको सहायता मिलती है। तो ये था छात्रों नवाचार। तो मैं आपको भी नवाचार विशेषताओं के बारे में स्पष्ट किया। अब हम चर्चा करते हैं कि नवाचार के क्या होते हैं उद्देश्य, इन जो है उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट कर लेते हैं। अब देखें जो कि शैक्षिक नवाचार में या तो जो नवाचार हमारा टॉपिक है तो अगर इनके हम उद्देश्य के बारे में देखें छात्रों तो शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना, तो जो अगर इसके बारे में देखें तो जो नवाचार का ये प्रमुख उद्देश्य है या महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो हमारी टीचिंग की जो है सिस्टम है या जो हमारी शिक्षण की छात्रों व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को हम जो है विश्व स्तरीय
जो कंपटीशन होते हैं या फिर जो प्रतिस्पर्धा होते हैं उनमें हम आगे पहुंच जाते हैं, उनमें हमें ये जो नवाचार आगे पहुंचाने का प्रयास करता है कि जो कंपटीशन हो रहा है अगर आप नवीन तरीके से किसी क्षेत्र में जानकारी अगर हासिल किए रहेंगे तो इसमें आप जो किसी कंपटीशन में आगे पहुंचने में सहायता मिलेगी। ये सारी प्रक्रिया छात्रों इनोवेशन या फिर नवाचार के माध्यम से छात्रों संपन्न होती है। आगे छात्रों जो नंबर दो पॉइंट आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। तो जो ये नवाचार होता है तो जो नवाचार का ये प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो हमारी TLM होती है या तो जो हमारी TL या जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है उनको सरल एवं जो रुचिपूर्ण बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही देखा जाए छात्रों तो जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है सरल एवं प्रभावी बनाना ही ये हमारे नवाचार का छात्रों ये प्रमुख उद्देश्य होता है, यही प्रमुख उद्देश्य है छात्रों। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं छात्र का सर्वांगीण विकास करना। तो यही भी जो नवाचार की विशेषताएं में भी आया था और यही पॉइंट ऐसा पॉइंट है छात्रों जो कि ये छात्रों के अंदर की आंतरिक जो शक्ति है उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है, साथ ही साथ जो है आंतरिक उनके अंदर क्या सोचने समझने तर्क करने की क्षमता है ये सभी जो है कहने का मतलब छात्र के जो सर्वांगीण विकास का कार्य करना ही जो है नवाचार का प्रमुख उद्देश्य छात्रों रहा है। अब इसी जो है जो छात्र के सर्वांगीण विकास के बाद आगे आता है छात्र एवं जो है अध्यापकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अब देखें छात्रों तो जो नवाचार है यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिनके माध्यम से अध्यापक या फिर जो छात्र होते हैं उनके अंदर हम वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण या वैज्ञानिक जो अप्रोच है या साइंटिफिक अप्रोच है उनके गुणों का विकास कार्य करने में हमको सहायता छात्रों मिलती है। तो अगर ये देखें तो जो हमारा नवाचार है या नवाचार का जो उद्देश्य है कि यह जो है छात्र या फिर जो अध्यापक होता है उनमें वैज्ञानिक जो दृष्टिकोणों को विकसित करने में सहायता प्रदान की जाती है। जो अगला पॉइंट छात्रों है छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना। अगर इसी क्रम में देखें छात्रों जो नवाचार है यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिनका उद्देश्य होता है कि छात्र द्वारा जो पाया हुआ या जो प्राप्त ज्ञान होता है वो सदैव जो है स्थायी बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो ये ऐसे टॉपिक है कि जो छात्रों को प्राप्त ज्ञान कैसे उनको जो है प्राप्त ज्ञान है अगर नवाचार के माध्यम से हम छात्रों के समक्ष कुछ टॉपिक बताने का प्रयास करेंगे तो इनसे उनका जो ज्ञान या बालक के छात्र का जो ज्ञान रहेगा छात्रों अस्थाई बन जाता है। और इसी तरीके से देखें छात्रों जो अगला हमारा पॉइंट यहाँ ऊपर हम लिख दिए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन अनुसंधानों के निष्कर्ष का प्रयोग। अगर देखें छात्रों जो शैक्षिक अनुसंधान या फिर जो शिक्षा के क्षेत्र में जो दिन प्रतिदिन जो नए तरीकों से खोज किया जा रहा है उनके लिए जो निष्कर्ष का जो प्रयोग करने पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है उसमें भी नवाचार के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या छात्रों जो नवाचार का उद्देश्य होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन अनुसंधानों के निष्कर्ष का प्रयोग करने पर ये छात्रों विशेष रूप से बल देती है। तो छात्रों आज के लिए हमारा टॉपिक इतना था कि मैं नवाचार का अर्थ क्या बताया उसके बाद इसकी डिफिनेशन पर चर्चा किए फिर इनका क्या उद्देश्य होता है इस टॉपिक को छात्रों आपकी समझ बताया। फिर छात्रों हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।